नमस्कार, मैं अनिल दीक्षित। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, हर क्षेत्र में उसकी बहुत महत्ता है और आवश्यकता है। जनरली हम देखते हैं किसी भी स्टेज पे, जब भी लाइफ के किसी भी मोड़ पे हम होते हैं, माता पिता ने किसी दिन समझाया और पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया, या स्कूल में किसी मास्टर ने कोई ऐसी बात कही जिससे मोटिवेशन आया और उस दिन जो है मेज साफ करके और बैठ गए कि अब हम पढ़ा करेंगे, और वो जोश जो है वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन चला, 2-3 दिन के बाद में ठंडा हो गया। इसी तरीके से कहीं कोई अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी सुन ली और ये समझ में आया कि नहीं साहब, व्यापार में इन इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और तुरंत जोश आया कि हम क्यों नहीं कर सकते, और बहुत तत्परता से लगा कि अब तो सब कुछ पलट डालेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से लग गए। लेकिन वो सारा सिस्टम जो था वो 2 दिन में खत्म हो गया, अब अपनी जगह पे फिर वापस आ गए। भक्ति में भी यही स्थिति है कि किसी दिन भाव आया और संकल्प लिया कल से हम पूजा पर बैठेंगे या आज से हम पूजा पर बैठेंगे, और घंटे 2 घंटे जो कुछ भी ध्यान जप तप जो कुछ भी कर पाया वो किया, और दूसरे दिन से तीसरे दिन से फिर उसी रूटीन में आ गए और छूट गई पूजा। ये जो है ये निरंतरता का अभाव है। हनुमान चालीसा में एक लाइन आपने पढ़ी होगी, जपत निरंतर हनुमत बीरा, निरंतर। तो निरंतर जपने से, निरंतर प्रयास करने से हनुमत बीरा, महावीर बजरंगी आप बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, हनुमान जी आप भी बन सकते हैं, लेकिन उस निरंतरता की आवश्यकता। ये हमारे लिए भी संभव है, आपके लिए भी संभव है। जितना हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उससे ज्यादा हम अपने आप को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि निरंतरता का अभाव, 1 लाख लोगों में से आप सर्च करेंगे तो 2-4 लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने एक बार कमिटमेंट किया कि हाँ अब हम ये करेंगे, और वो उसमें फिर निरंतर लगे रहेंगे। बहुत रेयर पर्सन होते हैं, और वही रेशियो हर क्षेत्र में, चाहे अध्यात्म हो, चाहे व्यापार हो, चाहे शिक्षा हो, वही जो रेशियो है वो सफलता को प्राप्त करता है। बाकी के सब ऐसे ही बरसाती मेंढक जिन्हें बोलते हैं, भक्ति में भी आ जाते हैं बरसाती मेंढक, 4-5 दिन तक टर टर करी, भगवान उनके प्रति उदासीन होते, वो भी जानते हैं कि जो ऐसे ही आया है, बरसाती मेंढक है, 3-4 दिन में शांत हो जाएगा। और व्यापार में भी ऐसे ही लोग हैं, आए उन्हें 3-4 दिन काम, 1-2 महीने किया, उसके बाद में हवा निकल गई, बैठ गए, भगवान भी जानते हैं इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब निरंतरता आ जाती है तब सफलता का मार्ग आरंभ होता है। तो आप अपने जीवन को किसी भी क्षेत्र में अगर सफल देखना चाहते हैं, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हमने आपको बताई वो है कंटिन्यूटी। किसी भी प्रयास को बहुत जल्दी छोड़े नहीं, उसके रिजल्ट आने में भी टाइम लगता है। कुछ लोग बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे हम इतने दिन से कर रहे हैं, 10 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं, अभी गड्ढा खोद, जितना बड़ा गड्ढा होगा उसको भरने में एक टाइम तो लगेगा ना। हम साहब इतने दिन से कर रहे हैं और हमको कोई लाभ नहीं हुआ, हमको कोई अनुभव नहीं हुआ, तो वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर। लेकिन अगर निरंतरता बनी रही तो मीरा को मिले ना श्याम, मीरा को मिले ना श्याम, तुलसी को मिले ना राम, तो मिल जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग आप जैसे एजुकेशन लाइन में देखेंगे, जो UPSC वगैरह में बच्चे सफल होते हैं, उनके इंटरव्यू आते हैं, तो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं आपको मिलेगा जो जो कहेगा कि साहब हम तो बरसाती मेंढक की तरह थे, जब मन आया 2-4-6 दिन टटर टटर किया और उसके बाद में शांत हो गए और हम IAS बन गए, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। वो सब बताएंगे कि हमने एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और निरंतर प्रयास किया, निरंतर प्रयास किया।
व्यापार में भी जिन लोगों को आप टॉप में देखेंगे वो निरंतर प्रयास करते हैं, राजनीति में आप देखेंगे जो निरंतर प्रयास करते हैं, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी है निरंतर लगे रहते हैं, तो जो निरंतर प्रयास करने वाले होते हैं वो सफल हो जाते हैं। और जो बरसाती मेंढक की तरह आज यहाँ है कल कहीं और घूमने चले गए हैं, 4 महीने बाद फिर आ गए हैं, फिर थोड़ी सी राजनीति कर ली फिर चले गए हैं, तो उन बरसाती मेंढकों का हश्र आप देख रहे हैं। तो अगर अपने जीवन में आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो गांठ बांध के रख लें कि आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। एक बहुत बढ़िया दोहा याद आया है, रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान। बहुत खूबसूरत उदाहरण है कंटिन्यूटी का, इससे अच्छा उदाहरण आपको नहीं सुनने को मिलेगा कि रस्सी जो है कुएं पे, अब तो आप लोगों को पता नहीं देखने को मिलती है या नहीं मिलती है, कुएं पे एक रस्सी डाल के बाल्टी से पानी खींचते थे तो वो रस्सी जो थी वो पत्थर से रगड़ती रहती थी, और जहां वो रगड़ती रहती थी वहां बहुत बड़े बड़े निशान कर देती थी, कम अगर देखेंगे तो मतलब 3 इंच 4 इंच गहरा निशान पत्थर पे आपको मिलेगा, इतने मोटे पत्थर पे। तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, जो लोग बिल्कुल ही जड़ बुद्धि हैं अगर वो भी प्रयास करते रहें तो वो भी ज्ञानवान हो जाते हैं, ऐसा कहा गया, और ये बिल्कुल 100% सत्य है, इसमें कहीं कोई शंका की आवश्यकता है ही नहीं। तो एक सूत्र जो आज आपको मिला है कि सफलता के लिए निरंतरता बहुत आवश्यक है। धन्यवाद, इतनी ही बात थी, जिन लोगों को ये अच्छी लगी हो वीडियो लाइक कर दें, आप लोगों के लाइक करने से कमेंट करने से हमको थोड़ा सा उत्साह मिलता है बोलने का, आप लोग बंद कर देंगे तो हम भी बंद कर देंगे, ये स्थिति हो जाएगी। धन्यवाद।